71वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों को हार्दिक बधाई। ये हम सब के लिए बड़ा पर्व का त्योहार हो कि आज के दिन 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। देश की आजादी में हमारे वीरों ने कुर्बानियां दी, हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों ने फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमा और भारत माता की जय जयकार करते गए। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, और 1950 26 जनवरी के दिन हमारा देश गणतंत्र बना। उसकी खुशी में आज पूरी दुनिया में भारत देश का तिरंगा झंडा शान से लहराया जाता है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, भारत विश्व गुरु बने, इन मिशन को लेकर हम सब ने काम करना है। और प्रत्येक भारतवासी का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि जो सपने हमारे क्रांतिकारी वीरों ने देखे थे, जो सपने हमारे शहीदों ने संजोए थे भारत माता के लिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे महान देश भारत हो, उस संकल्प को, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है और अपने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। सबको एक बार फिर 71वें गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। भारत माता की जय। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी, डोगरा ठाकुर, बलदेव सिंह जी जैसे हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, सतत संघर्ष किया, अनेकानेक संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रजा परिषद के आंदोलन के हमारे कार्यकर्ताओं ने जेलें काटी और एक सतत संघर्ष लड़ी और 5 अगस्त के दिन देश के पार्लियामेंट में अंतोगत्वा एक विधान, एक प्रधान, एक निशान ये पूर्ण तरीके से इस देश के अंदर लागू हो गया। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जश्न का दिन है।